नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कविता राणा। अगर आपको ये लग रहा है कि ये मास्क है और ये आपको कोरोना संक्रमण से बचाएगी तो आप गलत हैं। जी हाँ, दरअसल ये मास्क नहीं बल्कि मास्क के डिजाइन का पराठा है जिसे एक रेस्टोरेंट ने लोगों को जागरूक करने के लिए बनाया। देश में कोरोना का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर कहा है कि जब भी कोई घर से बाहर निकले तो फेस मास्क जरूर लगाए। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कोरोना जैसी बीमारी को हल्के में ले रहे हैं और बिना मास्क के घूम रहे हैं। और ऐसे ही लोगों को जागरूक करने के लिए तमिलनाडु के मुदेरे के एक रेस्टोरेंट में ये मास्क पराठा बनाया जा रहा है। रेस्टोरेंट मालिक का लोगों को जागरूक करने का तरीका सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसके बाद इस तरीके से ना सिर्फ लोग जागरूक हो रहे हैं बल्कि उनके रेस्टोरेंट में कस्टमर्स की संख्या भी बढ़ गई है। हालांकि ये मास्क पराठा फिलहाल टेक अवे के लिए अवेलेबल है और मास्क पराठे की फोटो ट्वीट करते हुए एक ट्विटर यूजर अर्जुन ने लिखा, मदुरै में मास्क पराठा कला हर रूप में हो सकती है। तो वहीं आस्था लालवानी नाम के एक यूजर ने लिखा, जो लोग अपना मास्क ना खाओ ट्वीट कर रहे हैं उनको मुदेरे का जवाब, लेकिन क्या ये पराठा हमें पेट के संक्रमण से बचाएगा? अगर हाँ तो मैं मदुरे में आ रही हूँ। गौरतलब है कि ये पराठा मदुरे से 1.2 किलोमीटर दूर स्थित टेम्पल सिटी होटल ने बनाया है और हर पराठे की कीमत 50 रुपए है। इस रेस्टोरेंट के मैनेजर पुआ लिंगम के अनुसार मदुरे के लोग मास्क को लेकर अब भी गंभीर नहीं है और इसलिए हमने ये मास्क पराठा पेश किया ताकि लोगों में जागरूकता आए।